फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल आया, ओके, बट मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके ठीक 4 से 5 दिनों के बाद 2019 वाला मेंस मेरा था। मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वो उस कोचिंग में कॉपी चेकर। अच्छा, और कॉपी चेक कर करके आज वो कलेक्टर बने हुए हैं। एक एस्पिरेंट जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद का और पोस्टिंग जब आपको फाइनली मिल जाती है, इसके बीच का थोड़ा सा ड्यूरेशन बताएं कि वो क्या प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, वो सारी चीज़ें। मेरा नाम कुंदन राज कपूर है, मैं रहने वाला बिहार में एक सहरसा जिला है, वहां का रहने वाला हूँ, और वहीं पे सहरसा जिला में एक गांव है धबोली, तो वहां का निवासी हूँ। और कपूर नाम तो मेरे फादर ने वो कास्ट को एलिमिनेट करने के लिए, अच्छा, कि एक उनको लगा, उनको ये जानकारी नहीं थी कि कपूर एक विशेष जाति भी होती है पंजाब दिल्ली, ओके, उन्होंने सोचा कि कास्ट को एलिमिनेट किया जाए, एक फिल्मों के शौकीन थे तो उन्होंने नाम कपूर लगा दिया। अच्छा, और लोग बाय कास्ट नो राजपूत है, तो बस यही है। सर आप थोड़ी सी अपने एस्पिरेंट लाइफ को थोड़ा सा शेयर करें ब्रीफली कि कैसी रही है, काफी कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा है, क्या छोड़ना पड़ा है। आई थिंक काफी स्ट्रगल था, इसलिए मैंने यूपीएससी के बीइंग ए जनरल कैंडिडेट हम लोग के पास 6 अटेम्प्ट होते हैं, तो मैंने 6 के 6 अटेम्प्ट दिए थे। अच्छा, और वो लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया भी था वो जी बिल्कुल, तो काफी स्ट्रगल था। मैंने 2 बार ऑप्शनल बदले, 2 बार हिस्ट्री लिया, 1 बार मैथली से लिया, मुझे लगा लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आते हैं, लिटरेचर ले लिया, बट उससे भी मार्क्स नहीं आए। फिर मैं यूपी आया तो मैंने हिस्ट्री लिया, क्योंकि मेरी काफी एक हिस्ट्री बहुत प्रिपेयर था मेरा अच्छे से, और मेरा एक इंटरेस्ट भी था, तो बट हिस्ट्री मेरे काम आया, लिटरेचर मेरे काम नहीं आया। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपने कैसे तालमेल बिठाया? मुझे लगता है ये दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। अच्छा, कि जो प्रोफेशनल है और पैरेलल है आपकी फैमिली लाइफ है, ये दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। अगर एक आगे चला गया एक पीछे चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपके जॉब के दौरान कुछ छूटता नहीं कि आपके पता चले कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अपने घर बिहार नहीं जा पा रहे हैं, यूपी से नहीं जा पा रहा हूं, नहीं जा पा रहा हूं, इस बात का मलाल है तो दुख नहीं बट आगे जाके जाऊंगा, अभी थोड़ा करियर को थोड़ा जहां अचीव कर लूं कुछ अच्छा, उसके बाद। ओके, एक एस्पिरेंट जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद का और पोस्टिंग जब आपको फाइनली मिल जाती है, इसके बीच का थोड़ा सा ड्यूरेशन बताएं कि वो क्या प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, वो सारी चीजें थोड़ा रिव्यू। वो चीजें बहुत ही व्यक्ति बहुत खुश रहता है उस टाइम, और उस टाइम में ये होता है कि मेडिकल होता है पहले, हम लोग लखनऊ में उसका आपका मेडिकल होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा, अगर आप इस बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में अपीयर हो रहे हैं या फिर आरओएआरओ 2023 का जो पेपर होने वाला है उसमें अगर अपीयर हो रहे हैं, उसके साथ साथ प्रीलिम्स में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से आपको प्रीलिम्स ट्रेंड के मुताबिक संयुक्त बैच बनाया गया है, जिसमें आपको हाईली कन्वर्जेंट सब्जेक्ट पीवाईक्यू एनालिसिस, जिसकी जनरली फीस 7,000 होती है लेकिन फिलहाल ये 1,999 में एक्सेस हो रहा है। वहीं अगर आप 2025 को कवर कर रहे हैं तो इनका सक्षम बैच जो कि फाउंडेशन है बायलिंगुअल फॉर्मेट में जनरली 10,000 का होता है लेकिन फिलहाल 4,499 में एक्सेस हो रहा है। इन सारे बैचेज में आपको डेली क्लास लेक्चर्स मिलेगा, यहाँ तक कि आपके जो भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो भी छोटे मोटे आपके डाउट्स होते हैं उसके लिए टेलीफोनिक मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है। इन सब के बावजूद भी अगर आप हमारा कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 का अगेन डिस्काउंट मिलेगा। बैचेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आफ्टर मेडिकल आपको भेजा जाएगा उपाम। मेडिकल में क्या क्या करना चेक होता है? मेडिकल में एक डॉक्टर्स आपके पूरे बॉडी का चेकअप करते हैं, हाइट वगैरह एचडीएमए नहीं, नो मैटर नहीं करता है, किसी को चश्मा लगा है, आई साइट करते हैं, बट अच्छा। उसके भी है कि 6x9 करके, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। ओके, आई साइट करते हैं, थोड़ा बहुत आपका हार्ट किडनी बीपी ये सब नॉर्मल चेक करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। किसी की आंख में अगर प्रॉब्लम कुछ है तो क्या वो हटा दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको एक मौका दिया जाता है कि आप इसको ठीक करके आए। ओके, उसके बाद सर मेडिकल के बाद आफ्टर मेडिकल आपका उत्तर प्रदेश अकेडमी उपाम हम लोग का अकेडमी है, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी मैनेजमेंट करके है, वहाँ उपाम में आपका 3 मंथ का इंटर्नशिप होता है, तो वो फाउंडेशन होता है, उसके बाद फिर आप 6 से 7 मंथ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसके बाद फिर 3 मंथ का एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम लोग की फाइनल पोस्टिंग होती है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सर वो पेमेंट सैलरी मिलती है Day 1 हाफ मिलती है या फिर क्या प्रोसेस होता है? वो स्टाइपेंड रहता है, अच्छा कम रहता है स्टाइपेंड। ओके, तो लगभग उसके दौरान आप घर जाते हैं या फिर पूरा 3 महीना पैक रहना पड़ता है? ट्रेनिंग के अंदर क्या करना होता है? लीव मिलती है, लीव मिलती है, बहुत बहुत लिमिटेड मिलती है,
एक दो आप रिक्वेस्ट कर लो, कुछ अर्जेंट हो तो मिलती है, बट ईएल वगैरह का खास प्रोविजन नहीं है। अगर आप कुछ बताना चाहें कि ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या क्या करना होता है, क्या क्या सिखाते हैं? ट्रेनिंग जितनी भी चीजें मुझे पता है सब मैंने ट्रेनिंग में ही सीखी है। अच्छा। इवन हम लोगों को मेजरमेंट सिखाते हैं। हाँ। हम लोग ये जो पेमाइज करते हैं, बेसिकली हम लोग एक रेवेन्यू ऑफिसर है और रेवेन्यू ऑफिसर का काम होता है जमीन की पेमाइज करनी, जमीन के विवादों का निस्तारण करना, या जो कोर्ट्स मैनुअल होते हैं, रेवेन्यू कोड 2006 है या सीआरपीसी की एक्ट है, हमारे पास जो मिनिस्टेरियल पावर है सेक्शन 20 है या आईपीसी है, उन चीजों को पढ़ना, और पढ़ना वहां होता है और इम्प्लीमेंट करना तहसील में होता है। सर, एक कॉमन डाउट लोगों के मन में कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, पैसे आपके पास है, या फिर आपका कोई फैमिली में से सिविल सर्विस में है, तो आपका सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस हो जाता है। वही आप गरीबी परिवार से हैं, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है, तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, क्या लगता है आपको? इसमें कुछ सच्चाई भी है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे वहाँ पे। मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वो कोचिंग में कॉपी चेक करते। अच्छा। और कॉपी चेक कर करके आज वो कलेक्टर बने हुए हैं। तो अगर व्यक्ति चाह ले तो वो खुद वहाँ पे धन अर्जन कर सकता है, मनी जनरेट कर सकता है वो। इतने सारे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे आप वहाँ पे क्वेश्चन चेक कर लो जी। अब मैंने नहीं किया, मैं इस मामले में प्रिविलेज था क्योंकि मैं मेरे पास सब कुछ था तो मुझे नहीं करना पड़ा, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये सब किया, स्ट्रगल किया और अचीव कर लिया। आप अपने बारे में अगर बताएं कि क्या लगता है कि आपको कभी सैक्रिफाइस करना पड़ा पैसे नहीं, मुझे नहीं करना पड़ा। पैसे? मैंने कभी जॉब नहीं किया सर। मैंने 12 किया, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, वहां मैंने कालूसराय से आईटीजी की प्रिपरेशन किया, फिर मैं पंजाब चला गया, वहां से कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक की। बीटेक करने के बाद दौरान मैं फिर चला गया दिल्ली मुखई नगर, और मुखई नगर मैंने लगातार अपना एग्जाम दिया और फाइनली यूपी में डिप्लिकेटर बन गया। और फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था, एक बेसिकली एक जमींदार परिवार से हम लोग आते थे दबोली में। हाँ। उस पर 4000 एकड़ जमीन हुआ करती थी, वो एक था तो वो सब कुछ नहीं हुआ। ओके। तो आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्या अंतर समझ में आया प्रिपरेशन के दौरान? देखिए आप यूपी, मेरा मानना है कि देखिए यूपीएससी का पैटर्न में क्या होता है ना, एक पेपर वन आता है, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, चार पेपर आते हैं, और जो यूपीपीसीएस है उसमें भी चार पेपर आते हैं, 1, 2, 3, 4। बट इसमें ये होता है कि जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें ऐड किए रहते हैं। आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक पूरा ऑल इंडिया का कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बट यूपी में सिर्फ यूपी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में ऐड होते हैं और कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यक्ति यूपीएससी की करता है अगर उसका यूपीएससी नहीं होता है तो यूपीपीएससी जोड़ हो जाएगा उसका। अच्छा। ये मैं डे 1 से कहता हूँ। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट जिसमें क्लियर हुआ था? ये यूपीपीसीएस। हाँ, यूपीपीसीएस। एक्चुअली ये जो यूपीपीसीएस का पैटर्न आया था ये जब मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ 18 में, उसी साल यूपीपीसीएस का पैटर्न एज इट इज यूपीएससी कर दिया और मैंने वहां दिया, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल आया। ओके। बट मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके ठीक 4 से 5 दिनों के बाद 2019 वाला मेंस मेरा था। अच्छा। और मुझे लगा कि मेरा तो होगा नहीं क्योंकि 5 दिन बचे थे, एक प्रीलिम्स मेरा हो चुका था 2019 वाला, बट 5 दिन में मुझे लगा कि मैं अब शायद ना कर पाऊं क्योंकि मैं एक तो इंटरव्यू से लौट चुका था और 5 दिन बाद मेरा मेंस था, मैं कुछ पढ़ा नहीं था, मैं तो श्योर था कि मेरा हो रहा है। तो बट 5 दिनों मैंने ठीक से एक शॉर्ट नोट्स पढ़े जो अपना बनाया हुआ था और मेरी पूरे स्टेट में 22 रैंक आ गई।